तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। तो जैसे कि नाम के अंदर ये मैथमेटिक्स, तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये डोमेन तो मैथमेटिशियन का डोमेन, ठीक है। लेकिन क्या है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में पूरी फिजिक्स होती है। तो इसलिए हम क्या है, बहुत सारे जो रिजल्ट जो हमारे को यूज होने वाले हैं वो सारे रिजल्ट हम लोग प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। उसमें से बहुत सारे रिजल्ट का मैं प्रूफ नहीं दूंगा, बट वो प्रूफ जो तुम लोग जब इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मैथमेटिक्स में वो सारी चीजें आएंगी, जैसे कॉम्बिनेट्रिक्स से जैसे हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करने वाले कॉम्बिनेशन, तो ये सब चीजें तुम लोग मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। या डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ये बहुत जरूरत पड़ती है। क्लास 11th की फिजिक्स में भी इनकी जरूरत पड़ती है। तो ये बेसिक टूल्स हैं जो हम लोग एक वर्केबल नॉलेज के हिसाब से हम लोग इसको पढ़ेंगे, वर्किंग नॉलेज इसकी लेंगे। उसके अंदर बहुत डिटेल में हो सकता है बहुत सारे प्रूफ हम लोग बना देंगे, ठीक है। तो विद दैट आई स्टार्ट कॉम्बिनेशंस की हम लोग बात करते हैं। तो फिजिक्स में देर इज समथिंग कॉल्ड बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, जो कई जगह यूज होता है, जहाँ पे 1 + x^n टाइप का एक्सप्रेशन होता है, उसको हमें अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है। तो वो अप्रोक्सीमेशन किस तरह से वर्क होता है, उसके लिए हमें कॉम्बिनेट्रिक्स की लैंग्वेज थोड़ी सी पता होना चाहिए। व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले चीज क्या लिखी है मैंने, कॉम्बिनेशन, वी डिफाइन द सिंबल एन सी आर, इस तरह से सिंबल लिखा जाता है, इधर एन सी फिर नीचे आर लिखते हैं। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ अ टोटल एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे 5 ऑब्जेक्ट है मान लो, तो 5 में से 3 अगर हम चूज करें तो कुछ तो नंबर ऑफ वेज होंगे ना, यानी ए बी सी चूज कर लिया, ए बी डी चूज कर लिया, इस तरह से करके विल बी सर्टेन नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन डू इट, राइट। तो ठीक है, तो इसको हम एनसीआर का ये सिंबल का मतलब ये होता है कि चूजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेटरिक्स में पढ़ोगे फिर क्या है, हाउएवर हियर वी शैल स्टेट द इंपॉर्टेंट रिजल्ट विदाउट गेटिंग इन द प्रूफ। प्रूफ क्या है हम लोगों का, एनसीआर कैसे डिफाइंड है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल क्या होता है, शायद ज्यादातर बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, बट जस्ट फॉर कंप्लीटनेस आई से, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, मतलब 5 से लेके 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये सबको मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एन माइनस आर फैक्टोरियल है, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल में बहुत सारे टर्म्स तो वही आएंगे जो न्यूमरेटर में भी आएंगे, तो बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस नोटेशन, समझ गए फैक्टोरियल का मतलब क्या, ठीक है। क्या लिखा, हियर एन फैक्टोरियल इज रेड एज फैक्टोरियल एन, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n। फॉर इंस्टेंस ये 4 फैक्टोरियल हमने दिखाया, 24 आ गया, ठीक है। तो वी स्टेटेड द मीनिंग ऑफ नोटेशन एनसीआर बिकॉज इट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टेटिंग द बाइनोमियल थ्योरम। तो आगे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। वापस प्रूफ कहाँ पे सीखोगे, ये मैथमेटिक्स टीचर तुम लोगों को प्रूफ इसका कराएंगे, प्रॉपर एक चैप्टर ये तुम लोगों का फुल चैप्टर ऑन बाइनोमियल थ्योरम, तो यू सी लॉट ऑफ थिंग्स इन डिटेल। तो यहाँ पे रिजल्ट हम लोग जस्ट स्टेट कर दे रहे हैं, क्या है, 1 + x^n, इसका एक्सपेंशन क्या है हमारा, अगर एन इंटीजर है तो क्या होगा, 1 + nc1 x^1 + nc2 x^2 + nc3 x^3 एंड सो ऑन अप टू ncn x^n। यहाँ पे हम लोगों का सीरीज खत्म हो जाएगा अगर n मेरा इंटीजर है तो, ठीक है। लेकिन ये जो थ्योरम है ये खाली इंटीजर्स के लिए नहीं ट्रू है, इट आई मीन नॉट नॉट ओनली फॉर पॉजिटिव पावर्स, इट्स ऑल्सो ट्रू फॉर नेगेटिव पावर्स एंड फ्रैक्शनल पावर्स। तो फ्रैक्शनल पावर्स में क्या होगा, ये जो सीरीज है ये चलती रहेगी, आगे मैं दिखाऊंगा फ्रैक्शनल पावर्स के लिए। तो ये समझ में आया, तो अभी क्या nc1 करोगे, एन फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल जो है एन इंटू एन माइनस ऊपर एन फैक्टोरियल को एन इंटू एन माइनस एन फैक्टोरियल करोगे तो कैंसिल होगी, ये बस खाली इतना बचेगा 1 + nx बचेगा ये टर्म, ठीक है। इसी तरह से अगला टर्म भी समझ में आ रहा होगा, एन इंटू एन माइनस वन और नीचे 2 फैक्टोरियल खाली बचेगा, ठीक है, क्योंकि आगे के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह से एंड सो ऑन, दिस इज योर बाइनोमियल सीरीज, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो a + b होल टू द पावर n है, तो इसमें से a² कॉमन निकाल लो और उसके बाद फिर ऐसे एक्सपैंड करके ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट ही है, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का है, ठीक है, ठीक है, बात कर रहे हैं तो ठीक है ना, a² कॉमन निकाल के ये एक्सपेंशन आ गया, सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं, ठीक है। अब जैसे ये एग्जांपल है हम लोगों का, इवैल्यूएट करना है 1 + x^4 यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो बस क्या है, तो 1 + nx फिर एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल फिर, समझ गए, तो बस ये एक्सपैंड करके मेरे पास 1 + x^4 आ गया, ठीक है। तो इसका यूज करके हम जल्दी से कोई भी इंटीजर पावर जल्दी से एक्सपेंशन कर सकते, ठीक है, वी नॉट मल्टीप्लाई एंड शोइंग, तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं। अच्छा, नेगेटिव और फ्रैक्शनल के लिए हम लोगों का क्या है बाइनोमियल थ्योरम, वो ये है 1 + x^n, ये इस तरह से चलता जाएगा, बस ये है कि यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स रहेगा, एक्स टू द पावर कहीं पे खत्म नहीं हुआ, ये इनफाइनाइट पावर्स तक ही चलते रहेगा, इट विल नेवर स्टॉप, ठीक है। एक्चुअली तुम देखो तो ये हम कह सकते हैं जनरल फॉर्म ही है, ये इंटीजर के लिए भी ट्रू है। होगा क्या, अगर इंटीजर होगा एन, तो n-1 n-2 ऐसे करते करते कहीं पे जाके 0 आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म, इट्स ऑल्सो ट्रू फॉर इंटीजर, बट इंटीजर्स में खत्म हो जाएगी सीरीज कहीं पे जाके, ठीक है।
नॉट इंटीजर बेसिकली पॉजिटिव नंबर्स के लिए मैं बोल खत्म हो जाएगी, नेगेटिव के लिए भी इन्फिनिटी तक चलती होगी, ठीक है। ओके तो अब जैसे ये एक एग्जांपल है, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 मुझे निकालना है अप टू थर्ड ऑर्डर अप्रॉक्सिमेशन। जब भी थर्ड ऑर्डर अप्रॉक्सिमेशन बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है, एक्स क्यूब तक के मुझे टर्म्स चाहिए, तो ठीक है वही वाली सीरीज लगा दी, सिंपल सी बात है, फॉर्मूले में पुट किया प्लग एंड शट से, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। ओके अब हम लोग बात करते हैं बायनोमियल अप्रॉक्सिमेशन की, जो कि फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है, और ये सारी कहानी जो पढ़ी है सिर्फ इसी चीज को पढ़ने के लिए पढ़ी है, बायनोमियल अप्रॉक्सिमेशन। तो बहुत जगह पे हम देखेंगे, कई चैप्टर हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, कई जगह पे लगेगा बायनोमियल अप्रॉक्सिमेशन, इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कई जगह पे एप्लीकेशन है बायनोमियल अप्रॉक्सिमेशन का। कई रिजल्ट जो है, कई बार क्या है क्लोज फॉर्म में रिजल्ट अगर एग्जैक्टली निकालना चाहो तो नहीं निकलता, लेकिन स्पेशल केस जहाँ पे एक अप्रॉक्सिमेशन लगा के निकल जाता है, तो वो क्या है बायनोमियल अप्रॉक्सिमेशन वो देखते हैं हम लोग। तो एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, अगर एक्स मच मच लेस देन 1 है तो हमें पता है कि जो टर्म कंटेनिंग एक्स स्क्वायर होगा वो तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। इमेजिन करो एक्स मेरा अगर 10^-100 है, तो पहले टर्म में 10^-100 आएगा और दूसरे पे 10^-100 का स्क्वायर आ जाएगा, तो वो तो बहुत ही टीनी वीनी सा टर्म होगा, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? Yes. तो क्या एक्सपेंशन लिखोगे, 1 प्लस एन एक्स, तो ये कुछ होगा, फिर प्लस समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं इन मेनी केसेस। डिपेंड करता है कितना हमें एक्यूरेट चाहिए, कभी कभी ले भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन हाउ एक्यूरेटली वी वांट टू एस्टिमेट इट, उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ टर्म्स डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा, द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू पावर एन, इफ एक्स इज मच मच लेस देन 1, वी नो दैट द टर्म कंटेनिंग एक्स स्क्वायर विल बी सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन द टर्म कंटेनिंग एक्स टू द पावर 1 एंड एक्स क्यूब टर्म विल बी स्टिल स्मॉलर, ठीक है। Thus, to get an approximate value of expression, we can drop the higher order terms. So, क्या आ जाएगा? 1 plus x to the power n, approximately क्या लिख सकते हैं? 1 plus nx. So, it turns out, 90% cases, या मैं कहूंगा, even 99% cases, बस इतना ही approximation काफी होगा. You will not need even x square term. क्या बस application? लेकिन एक तो जगह है फिजिक्स में जहां पे हमें सेकंड ऑर्डर अप्रॉक्सिमेशन की जरूरत पड़ती है, खास करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जब मैं तुम लोगों को क्वाड्रोपोल पढ़ाऊंगा तो वहां पे सेकंड ऑर्डर टर्म की जरूरत पड़ती है, और कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्लीकेशन है जहां पे सेकंड ऑर्डर टर्म का हमको जरूरत पड़ती है, उसके बियॉन्ड नॉर्मली तो नहीं पड़ेगी तुम लोगों को जरूरत, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सिमेशन और सेकंड ऑर्डर अप्रॉक्सिमेशन में, बस उसी में मैंने एक्स स्क्वायर तक का टर्म ले लिया, ठीक है। ओके अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, फिजिक्स का तो नहीं है बट बस समझाने के लिए, रूट ऑफ 1.1 के लिए निकालना है, तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट 1 + 0.1 to the power half, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सिमेशन अगर मैं देखूंगा तो 1 + 0.1 / 2, 1 + nx ही आ गया, n मेरा हाफ है, तो ये 1.05 हो गया फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सिमेशन, ठीक है। और अगर सेकंड ऑर्डर अप्रॉक्सिमेशन तक करना है तो ये दो टर्म्स लेके 1.049 आ गया, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना, 1.05 1.049 तो जाके ये इधर जाके फर्क पड़ रहा है, ठीक है। और फिर क्या, कैलकुलेटर से हमें चेक करना है 4 decimal places तक, तो कैलकुलेटर से चेक करते हैं तो 1.0488, तो यहाँ पे देखो तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर ध्यान से अगर सोचोगे तो 0.1 इतना भी छोटा नहीं है, वहां से 1/10 ही है, बट फिर भी वी आर गेटिंग अ डिसेंट अप्रॉक्सिमेशन, समझ में आ रहा है। देखो 10% है तब भी मेरे पास 1.049 1.0488 कितना पास में, ठीक है, या फिर ये भी 1.05, तो देयर वेरी एक्यूरेट, ठीक है, इवन अप टिल 10% वी कैन से काफी अच्छा एक्यूरेसी मिल रहा है हमें। उसमें इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि पावर हाफ है या क्या पावर है, उससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, उससे भी थोड़ा अच्छा खासा भी पड़ सकता है, डिपेंड करता है पावर कितनी, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफी एक्यूरेट आ गया, ठीक है। तो क्या लिखा, इवन फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सिमेशन इज फेयरली एक्यूरेट इवन दो 0.1 इज 10% ऑफ 1, डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन टू प्रोग्रेसिवली गेट मोर एंड मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स, ठीक है। इसके बाद एक जो नंबर है फिजिक्स में बहुत जगह पे यूज होगा, जिसको हम कहते हैं ऑयलर्स नंबर ई। जैसे पाई तुम लोगों ने देखा होगा 9th-10th क्लास तक, पाई की बहुत सिग्निफिकेंस है ज्योमेट्री में, यहाँ जहां तक आते रहता है स्फीयर लो सर्कल लो सब जगह पाई आते रहते हैं। इसी तरह से एक और नंबर है ई, जो बहुत जगह पे फिजिक्स में आते रहता है। तो ई होता क्या है, तो ई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर देखो तो 2.718 है, ऑल्दो ये भी एक इरेशनल नंबर, जैसे पाई नॉन रिकरिंग डेसिमल है, इस तरह से ई भी एक इरेशनल नंबर है जो चलता रहता है, ठीक है। और अगर डिटेल में बात करो तो एक्चुअली ये जो ई है इसको अप्रॉक्सीमेट करना है तो 1 + 1/1 factorial + 1/2 factorial + 1/3 factorial एक्सेट्रा ऐसे करते जाओगे तो इनफाइनाइट सीरीज बनेगी, उस सीरीज का सम निकालते हो तो उसका जो अप्रॉक्सीमेशन है वो मेरा 2.718 है। एक्चुअली वो अगर पूरा इनफाइनाइट टर्म्स तक लेते हो तो दैट बिकम्स योर दिस नंबर ऑयलर नंबर, जिसको ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा, जस्ट लाइक पाई इज अनदर कांस्टेंट व्हिच हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन फिजिक्स एंड नेचुरल फेनोमेना, इट्स वैल्यू अप टू 3 decimal places गिवन एज 2.718।
दो जस्ट लाइक पाई इट इज नेवर एंडिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर इरेशनल नंबर इट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज अप्रोक्सीमेटली 19/7 हम इसको लिख सकते हैं जैसे पाई को कई बार 22/7 लिखते तो कभी कभी 19/7 लिख के अगर काम आसान हो रहा है तो कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन अगर एलिमिनेट करना है कुछ तो ठीक है तो ये लेस देन 0.15% एरर है या फिर 68/25 भी लिख सकते कई बार 25 बहुत अच्छा नंबर होता है कैंसिल करने के लिए कहीं जाए तो 68/25 जो है इसमें 0.07% से कम एरर है ई को इस तरह से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं ठीक है इसके बाद फिजिक्स में बेस 10 पे लॉग बहुत ही रेयरली लेते हैं हम लोग ज्यादातर जितने भी लॉगरिथम्स लेते हैं फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द लॉगरिथम्स वी टेक टू द बेस ई जो वही नंबर है उसी के बेस पे हम लॉग लेते हैं ठीक है तो लॉगरिथम्स टू द बेस ई आर कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम्स तो मैं इसको ln of x पढ़ता हूँ कई लोग ln x भी पढ़ते हैं आई प्रेफर टू कॉल इट ln x इज log टू द बेस e ऑफ x ठीक है often we might need to change the logarithm from base 10 to base e तो क्या हम कर सकते हैं log 10 की वैल्यू होती है 2.303 ठीक है ये याद रख सकते हो log 10 टू द बेस e जो है 2.303 होती है रेडियो एक्टिविटी में खास करके जरूरत पड़ती है इसकी और या केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स वगैरह देख लो तो उसके अंदर कहीं कहीं पर जरूरत पड़ती है log 10 टू द बेस e और log 2 जो होता है वो 0.693 होता है इसका भी रेडियो एक्टिविटी में जरूरत पड़ती है कई जगह बट बाय एंड लार्ज log टू द बेस e लिख के काम हो जाता है ठीक है The last result is especially useful in study of radioactivity and chemical kinetics. ठीक है उसके अलावा कुछ expansions हैं जो physics में कई जगह पे काम आते हैं जैसे मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले E की मैंने सीरीज बताई थी तो जनरल सीरीज जो मेरी e to the power x की सीरीज है तो e to the power x की सीरीज क्या 1+x+x² / 2 + x³/3 and so on. ये मेरा e to the power x का सीरीज है अब इसी में x को 1 डाल दोगे तो e की वैल्यू आ जाएगी ठीक है वो जो कि 2.718 शायद जो भी आई थी ठीक है इसी तरह से ये e to the power x की सीरीज हो गई उसके बाद log of 1+x की सीरीज की भी हमें जरूरत पड़ती तो वो ये हमारे पास सीरीज है x - x² / 2 + x³/3 समझ गए अल्टरनेट टर्म इस तरह से प्लस माइनस करके ये चल रहा है तो ये log of x की हमारी log of 1+x की ये मेरी सीरीज है ठीक है साइन x की सीरीज की कहीं कहीं पे जरूरत पड़ सकती है तो x - x³/3 + x^5/5 इनफैक्ट अगर इसके टर्म्स देखो e to the power x के टर्म्स तो इसके कह सकते हो कि ऑड वाले टर्म्स हैं ऑड पावर वाले टर्म्स हैं लेकिन जो साइन है वो अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है साइन x के अंदर ठीक है ऐसे ही cos x के अंदर देखो तो इसके इवन टर्म्स हैं बट साइन जो है उसमें अल्टरनेटली प्लस माइनस हो रहा है ठीक है तो ये साइन x की सीरीज है मेरी ये cos x की सीरीज है ठीक है तो मान लो वैसे नॉर्मली जरूरत पड़ती नहीं है लेकिन अभी ये सीरीज अगर हमें पता है तो हम किसी भी आर्बिट्री एंगल का हम साइन कॉस निकाल सकते हैं सीरीज से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं ठीक है बुलवर की होगा कैलकुलेट करते रहो क्यूब निकालो फोर्थ पावर निकालो एक्सेट्रा बट ये थियोरेटिकली हम हाथ से भी किसी भी एंगल का साइन कॉस टैन निकाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कितना हमको एक्यूरेसी ठीक है और नहीं तो फिर कंप्यूटर तो क्या डायरेक्टली इनको रिपोर्ट करेगा ठीक है तो समझ में तो अच्छा फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स दैट इज एक्स इज मच मच लेस देन 1 साइन एक्स को अप्रोक्सीमेटली एक्स कह सकते हैं वो भी समझ में आ रहा होगा इसमें अगर एक्स मेरा बहुत छोटा तो एक्स क्यूब तो और भी छोटा हो जाएगा तो ये बाकी के टर्म्स को अगर इग्नोर कर दें तो बहुत छोटे एंगल्स के लिए साइन एक्स को मैं एक्स से अप्रोक्सीमेटली जैसे साइन ऑफ 0.1 लिखना है या साइन ऑफ 0.01 लिखना है तो उसको 0.01 लिख सकते हैं अच्छा ये 0.1 या 0.01 बोलते हैं तो ये रेडियन मेजर है ठीक है एक्स जब भी हम साइन एक्स इक्वल टू एक्स लिखते हैं तो ये रेडियन मेजर है तो रेडियन मेजर क्या है क्या लिखा मैंने x must be put in radians तो for conversion 180 degree को हम pi radians बोलते हैं ठीक है तो physics में ज्यादातर काम हम लोग radians में ही करते हैं angle को degrees में लिखेंगे कई जगह पे degrees में अभी भी लेकिन by and large जब भी इस तरह का formula लिखते हैं sin x equal to x तो इसमें x radians में लेते हैं बाद में हम देखेंगे tan x को भी x के बराबर लिख देंगे बहुत छोटे angles के लिए ठीक है और cos x को हम क्या लिख सकते हैं 1 - x² / 2 लिख सकते हैं ये क्यों इसका अंडर रूट होना चाहिए इनफैक्ट क्योंकि cos x जो है नहीं ठीक है एक्चुअली ये समझ में आ रहा है क्या किया मैंने एक्चुअली cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ cos x कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 1 - sin² x राइट 1 - sin² x ऐसा लिख सकता हूँ ना अब sin square x को अगर मैं x लिख दूँ तो इसके बाद बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन से ये रिजल्ट आ रहा है दिख रहा है कि नहीं sin square x को x square लिखोगे और पावर हाफ लिखाओगे तो 1 - x² / 2 आ जाएगा ठीक है तो यस तो ठीक है ना ये इस तरह से cos x को कहीं कहीं पे अप्रोक्सीमेट कर देंगे एक्चुअली दोनों तरह के अप्रोक्सीमेशन यूज होते हैं कई बार बहुत छोटे एंगल के लिए cos x को 1 भी लिख देते हैं कई कई पर्पस के लिए वो भी सही है क्योंकि x अगर बहुत छोटा है तो वापस x² / 2 1 के मुकाबले तो छोटा ही होगा तो कई बार क्या खाली cos x को 1 भी लिख लेंगे वो डिपेंड करेगा किस तरह का हमारा प्रॉब्लम उसके हिसाब से हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं ठीक है इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की कोशिश करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली चीज जो है हम लोगों की वो क्या है रेडियन मेजर ऑफ एंगल तो रेडियंस में
किस तरह से डिफाइन किया इसके बारे में थोड़ा सा और इनसाइट लेते हैं। तो मान लेते हैं ये कोई सर्कल है और सर्कल के आर्क की लेंथ मेरी एस है, ठीक है, और इसका कुछ एंगल है मेरा थीटा। तो रेडियन मेजर कैसे डिफाइन करते हैं, जो भी आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ और रेडियस का जो रेशियो है वो हमारा रेडियल मेजर एंगल कहलाता है, ठीक है। तो क्या लिखा, इफ एस इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, देन वी डिफाइन एंगल इन रेडियस एज थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। अब कंप्लीट सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, पूरी सर्कमफेरेंस तो 2 पाई आर होती है, ठीक है, और 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर कर दोगे तो इसका मतलब क्या, पूरे 360 डिग्री का वो 2 पाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, जिससे हमारे पास कन्वर्जन फॉर्मूला आ गया, राइट। Thus, for converting any angle from degrees to radians, we need to multiply by a factor of 2 pi by 360, यानी कि pi by 180 से multiply करना होता है। तो theta in radians is theta in degrees into pi radians by 180 degree, ठीक है। वो जान के मैंने radian degree लिखा ताकि degree से degree cancel होता हो, देखे तुम, ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे convert कर सकते हैं, ठीक है। In sciences and mathematics, default unit of angle is radians unless otherwise specified. Whenever we say certain angle is measure is x, we mean x radians. कभी भी हम बोलेंगे कि ये एंगल 3 है तो इसमें 3 रेडियंस है, ठीक है, डिग्री बोलने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं बोला तो वो रेडियंस, ठीक है, जो भी खाली यूनिट यूनिट मिसिंग है तो इट मींस इट इज इन रेडियंस, ओके। दस इफ एन एंगल इज पाई बाय 2 इट मींस 90 डिग्री, तो समझ में आ रहा होगा 180 डिग्री पाई है, तो फॉलोइंग डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन शुड बी कमिटेड टू मेमोरी फॉर इंस्टेंट रिकॉल। तो ये जनरली 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इसको रेडियंस में इमीडिएट रिकॉल होती है, तो इसको तुम लोग याद कर सकते हैं सारे, ठीक है, 90 डिग्री पाई बाय 2, 60 डिग्री पाई बाय 3, 45 डिग्री पाई बाय 4 एंड सो ऑन, ठीक है, 120 से लेके 180 तक ये सब इमीडिएट रिकॉल होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज वैल्यूज है, ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जनरलाइज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जनरलाइज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से क्या मतलब है, तुम लोगों ने देखा है कि ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट करते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसमें कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल तो होगा नहीं, लेकिन अगर मान लो मैं किसी ऑब्ट्यूज एंगल के लिए साइन कॉस या टैन की बात करना चाहता हूँ तो इसका मतलब क्या, मुझे कुछ डिफरेंट डेफिनेशन बनानी पड़ेगी और वो डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए जो ओरिजिनल डेफिनेशन से कॉन्ट्रडिक्टरी ना हो, ओरिजिनल डेफिनेशन उसका सबसेट हो, ठीक है, ऐसी कुछ डेफिनेशन हमें बनानी पड़ेगी कि ओरिजिनल डेफिनेशन भी होल्ड करे और एक्सटेंडेड हो जाए वही डेफिनेशन। तो कैसे डिफाइन करते हैं, अगर मान लो मेरे पास थीटा कोई भी एंगल है तो सबसे पहले उस एंगल को जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो एक्स वाई एक्सिस बना के उस एंगल की एक साइड को एक्स एक्सिस पे रखेंगे और फिर जितना भी मेजर है उतना एंटी क्लॉक वाइज मेजर करके दूसरी साइड उस एंगल की हम बनाएंगे, ठीक है। एंड देन वी विल ड्रॉ यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल की जगह बड़ा सर्कल भी बना सकते हो बट यूनिट सर्कल अक्सर कन्वीनियंट होता है। अब सोचो जो दूसरी साइड है उसका कुछ तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं, ठीक है, मान लो इस सर्कल का रेडियस आर है और ये जो पॉइंट है इसकी दूसरी साइड का इस सर्कल पे जहाँ पे इंटरसेप्ट आ रहा है वो एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो जो साइन थीटा डिफाइंड है वो क्या है, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय आर, वो हमारा साइन थीटा हो जाएगा। सोच के देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये एंगल लाई कर रहा है तो वाई डिवाइड बाय आर करोगे ये एंगल थीटा, तो साइन थीटा नॉर्मल डेफिनेशन भी पास कर, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा मेरा सिंपली वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो यूनिट सर्कल है तो बस वाई कोऑर्डिनेट ही हो जाएगा, वन से डिवाइड कर। इसी तरह से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। और टैन थीटा क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये सारी डेफिनेशंस नॉर्मल देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वही कन्वेंशनल डेफिनेशन से मैच कर रही है, कोइंसाइडिंग है सारी डेफिनेशन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और इससे ये भी समझ में आ रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मेरा एंगल चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या, साइन थीटा मेरा पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस थीटा मेरा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि रेडियस को हमेशा ही पॉजिटिव ले जाता है, ठीक है, रेडियस इज नेवर नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज को हमेशा पॉजिटिव लेके चलते होंगे। इसी तरह से अगर थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाओगे तो एक्स और वाई क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, इसका मतलब क्या, साइन थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा और कॉस थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाओगे तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो कॉस थीटा पॉजिटिव और साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखा, तो क्या लिखा, ठीक है, जूनियर क्लासेस की बात लिखी हुई मैंने, ठीक है। तो फॉर जनरल एंगल्स वी फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इस तरह से डिफाइन करते हैं, प्लॉट द फर्स्ट साइड ऑफ एंगल अलोंग एक्स एक्सिस, मेजर द एंगल से थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस फ्रॉम प्लस एक्स डायरेक्शन एंड प्लॉट अ पॉइंट इन दिस डायरेक्शन से थी, जैसे ये प्लॉट किया हुआ, एंड जॉइन दिस विद द ओरिजिन टू फॉर्म द अदर साइड ऑफ द एंगल, ठीक है। अब क्या, नाउ लेट एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, देन वी डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर दिस एंगल थीटा एज फॉलोज, साइन थीटा वाई बाय आर, cos theta x by r, tan theta y by x, और बाकी तो इसके reciprocal से ही, ठीक है, बाकी तीन ratios, r को हमेशा हम positive मानते हैं। तो ये अभी हर quadrant में sin theta, cos theta, tan theta के signs मैंने जैसे अभी बताया था, तो वही table के form में हमने दिया हुआ, ठीक है। तो first quadrant में सारे ratios positive, second quadrant में sin theta positive, third quadrant में
टैन थीटा पॉजिटिव होगा, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और बाकी रेशियोज नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो कैसे याद रख सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल रेशियोज पॉजिटिव, सेकंड ओनली साइन, थर्ड ओनली टैन एंड फोर्थ ओनली कॉस, तो ए एस टी सी ऐसे करके चार क्वाड्रेंट्स को देख सकते हो। तो उसको एड शुगर टू कॉफी या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जो तुमको कन्वीनियंट लगता है अपने हिसाब से, ठीक है, बना सकते हो इसको, ठीक है, समझ गए। तो वो निमोनिक के हिसाब से चार क्वाड्रेंट साइन की साइन वैल्यूज पता चल जाएंगे इनको, ठीक है, चारों तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ठीक है। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, दिस इज जस्ट अ रिकैप फॉर मोस्ट ऑफ यू, ये तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर साइन ए प्लस बी, ये हो सकता है कुछ बच्चों के लिए नया तो ये याद रखना, लेकिन इसका प्रूफ मैथ्स में करोगे तुम लोग, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी ये होता है, ठीक है, कॉस ए प्लस बी ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, उसे टैन ए प्लस बी टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए टैन बी, ये हम लोग की बेसिक आइडेंटिटीज है। इसके अलावा कई आइडेंटिटीज और आएंगी, वो मैं बाद में बताऊंगा, कुछ आइडेंटिटीज और इसके अलावा, ठीक है। अब क्या है देखो, नाउ हाउ टू क्विकली इवैल्यूएट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अभी एक चीज ध्यान से देखना, ये कोई पॉइंट है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, मान लेते हैं ये एंगल मेरा, जैसे यहाँ पे देखो ये एंगल 60 डिग्री है और इसका मिरर इमेज यहाँ पे ये अगर इधर ये इसका इधर से 60 डिग्री होगा, अगर वाई एक्सिस में मैं मिरर इमेज लूंगा तो इसका इधर से 60 डिग्री होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जितना एक्स क्वाड्रेंट का मैग्नीट्यूड इसके लिए होगा उतना ही एक्स क्वाड्रेंट का मैग्नीट्यूड इसके लिए भी होगा, बस साइन अलग होगा। इधर मिरर इमेज में अगर देखोगे वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मिरर इमेज लोगे तो एक्स क्वाड्रेंट का साइन चेंज होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो वही का वही रहेगा। इसका मतलब क्या है, जो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे आने वाली है मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी आने वाली है, बस ये है कि साइन जस्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, अब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज कॉस ऑफ 60 डिग्री बट द साइन इज नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, समझ गए कि नहीं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से हम सीधे रिलेट करके किसी भी क्वाड्रेंट के रेशियो को लिख सकते हैं। इसी तरह से ये अगर 180 डिग्री अपोजिट इस वाले एंगल की बात करें तो ये 180 प्लस 60 डिग्री होगा, राइट। तो इसके लिए भी क्या होगा, एक्स क्वाड्रेंट का मैग्नीट्यूड तो वही होगा लेकिन क्या है, साइन जस्ट अपोजिट है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो कॉस ऑफ 180 प्लस 60 डिग्री, ये देखो ये 180 डिग्री यहाँ देखो या 60 डिग्री और होगा, तो कॉस ऑफ 180 प्लस 60 क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात की नहीं। ऐसे ही तुम लोग साइन के लिए भी देख सकते हो, तो वो जो भी रिजल्ट हैं तुम लोग अपने आप आराम से बाद में वेरीफाई कर लेना, आई जस्ट स्टेट इट, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो ये है तो ये क्या है बेसिकली, इसको हम कह सकते हैं या तो 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री कह सकते हैं, लेकिन 360 डिग्री का मतलब होता है नथिंग एक्चुअली बेसिकली, क्योंकि वहीं के वहीं पे आ जाते हो, ठीक है, नहीं इफेक्टिवली मतलब अगर बात 360 डिग्री मतलब जहां से शुरू हुआ वहीं पे वापस आ गए, इधर तो 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री को चाहो तो खाली माइनस 60 डिग्री भी लिख ही सकते हो, 360 डिग्री वाले पार्ट को ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि इफेक्टिवली तो उसी जगह पे वेक्टर पहुंचेगी। तो दिस एंगल यू कैन आइदर कॉल इट 300 डिग्री और यू कुड कॉल इट माइनस 60 डिग्री ऑल्सो, एक ही बात है, क्योंकि हम एंगल्स को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर देख रहे हो तो नेगेटिव एंगल्स माने जाएंगे, तो माइनस 60 एंगल जो है वो ये है और प्लस 60 एंगल ये है, ठीक है। नेगेटिव एंगल का मतलब समझ गए कि नहीं, नेगेटिव एंगल मतलब उसको एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना, पॉजिटिव एंगल मतलब उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना, ठीक है। तो इसी तरह से देख सकते हो, तो कॉस ऑफ माइनस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, देखो तो इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यहाँ पे भी एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो कॉस ऑफ माइनस 60 डिग्री सेम एज कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका यूज करके हम लोग किसी भी क्वाड्रेंट में, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से देख लेंगे 180 प्लस करके आ रहा है 180 माइनस करके आ रहा है 360 माइनस करके आ रहा है 360 प्लस करके आ रहा है, उससे डायरेक्टली बस साइन चेंज करना होगा हमको, ठीक है, साइन आइडेंटिफाई कर लिया, सेम रेशियो लिख लिया उसके बाद बाकी मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो क्या लिखा, कंसिडर फोर एंगल्स इन फोर क्वाड्रेंट 60 डिग्री या और 120 डिग्री यानी 180 माइनस 60 240 एंड माइनस 60। तो इनफैक्ट ये तो समझा चुका हूं मैं, इधर क्विकली देख लेते हैं। तो जैसे मान लो साइन 120 डिग्री निकालना है मुझे, साइन 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ, राइट। अब साइन 180 माइनस 60 की वैल्यू तो सेम है साइन 60 डिग्री आनी चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज, और साइन क्या होगा क्योंकि अब 180 माइनस 60 मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, राइट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में वाई क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव ही होगा ना, इसका मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, इसको सीधे साइन 60 के बराबर रूट 3/2 लिख लिया, ठीक है। इसी तरह से साइन 240 डिग्री अगर मुझे चाहिए तो ये क्या 180 प्लस 60 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड तो इसका साइन 60 के बराबर ही होगा लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो साइन नेगेटिव हो जाएगा,
अभी अभी जैसे मैंने बताया था ए एस टी सी, तो सेकंड में केवल साइन पॉजिटिव है, थर्ड में केवल टैन पॉजिटिव है, और फोर्थ में केवल कॉस पॉजिटिव है, तो ऐसे भी डायरेक्टली देख सकते हो, नेगेटिव लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, तो इस मेथड को यूज करके कोई भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे tan 120 माइनस tan 60 बराबर, tan 240 tan 60 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना ये सारी बात? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे रिजल्ट्स एक साथ लिख दिए हैं। ठीक है, ये चाहो तो अपने आप भी तुम इन्फर कर सकते हो डायग्राम बना, अगर भूल जाओ तो यू कैन ऑलवेज मेक दैट डायग्राम एंड इन्फर कि क्या होना चाहिए 180 प्लस थीटा में, या तो माइनस आएगा या प्लस आएगा बस। ठीक है, बाकी तो tan थीटा तो आ जाते रहेगा। ठीक है, तो ये मेरे सारे रिजल्ट्स आ गए थे, साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, तो साइन थीटा हो गया, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया माइनस साइन थीटा हो गया। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया माइनस साइन थीटा हो गया। इसी तरह से कॉस के लिए और इसी तरह से टैन के लिए। तो रेकमेंड करूंगा कि ये मेमोराइज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर नहीं याद है तो फिर वो क्वाड्रेंट बना के देख ही सकते हो इसको। ठीक है, तो क्लियर है ये सभी को, सबको? ठीक है, तो अभी एक छोटा सा एग्जांपल खुद अपने आप से ट्राई करो, हमको साइन कॉस और टैन निकालना है 210 डिग्री के लिए, इसको क्विकली कंप्लीट कर लो अपने हम से, के बाद फिर आगे बात करते हैं। तो 210 डिग्री क्या है, 180 प्लस 30 डिग्री है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, बस टैन पॉजिटिव होगा बाकी सब नेगेटिव होगा। ठीक है, बाकी 30 डिग्री के रेशियोज तो पता ही है, तो डायरेक्टली लिखते हो बाकी। ठीक है, साइन हमने क्वाड्रेंट से देख लिया। अच्छा, इसी तरह से क्या पूछा है, व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर थीटा इक्वल टू 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 कितना एंगल हुआ, 5 बाय 6 30 डिग्री होता है, तो दिस इज 150 डिग्री, तो 150 डिग्री को क्या करोगे, 180 माइनस 30 लिखोगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, तो फिर क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा और बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने इसका निकाल लिया। ठीक है, अब जैसे ये क्या क्वेश्चन है, फाइंड द ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा बिटवीन 0 एंड 360 डिग्री फॉर विच साइन थीटा इज माइनस रूट 3 बाय 2। तो अब देखो साइन थीटा नेगेटिव हमें चाहिए, तो कितने क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होता है, साइन थीटा सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो दो मुझे मिलेंगे, राइट? तो इसका मतलब थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यस, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा साइन थीटा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो क्या मिलेगा, 180 प्लस थीटा करके थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाओगे, माइनस थीटा करके फोर्थ क्वाड्रेंट में चले, या 360 माइनस थीटा करके फोर्थ में चले जाओगे। तो बस अब रूट थ्री बाई टू मैग्नीट्यूड तो रूट थ्री बाई टू है, तो 60 डिग्री से रिलेट कर लेंगे, इधर क्या आ जाएगा 180 प्लस 60 और उधर क्या आ जाएगा 360 माइनस 60, तो दो एंगल्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो वही लिखे होंगे, समझ में आई बात के नहीं? ठीक है, ऐसे ही cos थीटा माइनस रूट थ्री बाई टू के लिए फिर तुम्हें पता है वो इससे 30 डिग्री से रिलेट करोगे, तो समझ में आई बात की नहीं? तो 180 प्लस सॉरी cos थीटा नेगेटिव चाहिए, हाँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, यानी 180 प्लस 30 डिग्री एंड 180 माइनस 30 डिग्री करके। तो ऐसे जल्दी से हम निकाल सकते हैं कि कहां कहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या मतलब है, कई बार इस तरह का नोटेशन लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको कभी साइन टू द पावर माइनस वन मत पढ़ना, साइन इनवर्स एक्स का एक खास मतलब है, इसका मतलब है एक ऐसा एंगल जिसका साइन एक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलता हूँ साइन इनवर्स ऑफ वन बाई टू, तो इसका मतलब एक ऐसा एंगल जिसका साइन वन बाई टू यानी कि 30 डिग्री मीन कर रहा हूँ। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स मीन्स एन एंगल हूज साइन इज एक्स। लेकिन अभी क्या है, एक प्रॉब्लम आएगी, इसमें एक एम्बिग्युइटी आ जाएगी, क्यों, क्योंकि साइन 30 डिग्री भी 1 बाई टू होता है और साइन 150 डिग्री भी 1 बाई टू होता है, तो इसका मतलब क्या, साइन इनवर्स हाफ तो एम्बिग्युस हो जाएगा अनलेस मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करूँ किसी तरह से। तो इसकी डेफिनेशन को रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे वो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं, बट अभी क्या है, बेसिक मीनिंग क्या है, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग इज एन एंगल हूज साइन इज दैट थिंग, राइट? इसी तरह टैन इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 3 बोलेंगे, तो इसका मतलब एंगल हूज टैन इज 1 बाई रूट 3, तो वो 30 डिग्री मीन कर सकता है, एक्चुअली 30 डिग्री ही मीन करता है, दूसरा हम नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, कैसे, डेफिनेशन वो अभी थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, व्हेन वी राइट एक्सप्रेशन साइन इनवर्स ऑफ एक्स वी मीन एन एंगल हूज साइन इज एक्स, फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स हाफ 30 डिग्री इफ एवर रेंज एक्सक्लूड्स द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट को एक्सक्लूड कर दें तो खाली साइन इनवर्स हाफ जो है 30 डिग्री हो जाएगा, राइट? और द सेकंड क्वाड्रेंट वर आल्सो इंक्लूडेड देन साइन इनवर्स हाफ वुड बिकम एंबिगुअस टू मीन आइदर 30 डिग्री और 150 डिग्री। ठीक है, यहीं पे आप एक डेफिनेशन की बात करते हैं, मैथ्स में बहुत डिटेल में इसको देखोगे, डोमेन का मतलब क्या होता है, अलाउड इनपुट वैल्यूज, कोई भी फंक्शन उसकी इनपुट में क्या क्या डाल सकते हैं उसको हम डोमेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स कोई फंक्शन है तो एक्स की किस किस वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, ऑब्वियसली साइन थीटा माइनस वन से प्लस वन के बीच में ही रहने वाला है, तो साइन इनवर्स टू तो डिफाइन नहीं होगा, राइट? कुछ मतलब ही नहीं होगा। तो जब हम कहेंगे कि साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या, तो हम क्या कहेंगे, एक्स बिलोंग्स फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन, माइनस वन से प्लस वन के बीच में तो डिफाइंड है, अदरवाइज डिफाइंड। डोमेन का क्या मतलब है, डोमेन मीन्स अलाउड इनपुट वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन, फॉर इंस्टेंस साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी, माइनस वन टू प्लस वन, और ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट का मतलब होता है
कि जो एंड पॉइंट है उसको इंक्लूड किया हुआ, एक्सक्लूड नहीं किया हुआ, ठीक है। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट मतलब माइनस वन एंड प्लस वन आर इंक्लूडेड, ठीक है। ओके, फॉर इंस्टेंस इफ वी हैव अ फंक्शन 1 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2, ये प्रोडक्ट में है, नीचे x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर जो है जीरो अगर हो गया तो डिफाइन नहीं होगा ये फंक्शन, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी डोमेन में क्या सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं लेकिन 1 और 2 को छोड़ के, तो ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1, जब ये ऐसे दिखा रखा है ये सर्कुलर ब्रैकेट अगर दिखा रखा है तो इसका ये 1 को एक्सक्लूड किया होगा, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी पे तो हम इनफैक्ट माइनस इन्फिनिटी जहां पर भी लिखोगे वहां पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते, यानी ओपन इंटरवल ही लेते हैं वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे 1 ओपन इंटरवल और ये 1 से 2 और फिर 1 से 2 हो सकता है और उसके बाद फिर 2 से इन्फिनिटी हो सकता है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली 1 और 2 एक्सक्लूड होगा, ठीक है। राउंड ब्रैकेट्स मीन ओपन इंटरवल दैट इज एंड पॉइंट वैल्यूज आर एक्सक्लूडेड, ओके। रेंज का मतलब क्या होता है, अच्छा एक दो कोई डोमेन की अंदर क्या उसके डाल सकते हैं फंक्शन के, रेंज क्या होती है, वो फंक्शन आउटपुट कहां से कहां तक दे सकता है उसको हम रेंज ऑफ फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो रेंज मींस द वैल्यूज अ फंक्शन में टेक फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज इन इट्स डोमेन। तो जैसे साइन एक्स के लिए मेरी रेंज क्या है, माइनस वन से प्लस वन मेरी रेंज हो जाएगी, ठीक है। और हाँ, और जो हमारा डोमेन होगा साइन एक्स का, तो एक्स कुछ भी हो सकता है, किसी भी एंगल का साइन तो डिफाइन होगा, चाहे एक्यूट हो चाहे ऑब्ट्यूज हो, फॉर दैट मैटर 360 डिग्री से बड़े एंगल्स का भी साइन कॉस तो हमेशा डिफाइन हो गई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए अब हम लोग डोमेन की बात करते हैं, डोमेन क्यों रिस्ट्रिक्ट करना, नहीं तो अभी अभी देखा था ना साइन इनवर्स ऑफ एम्बिगुअस हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखा, व्हेन वी राइट द एक्सप्रेशन साइन इनवर्स एक्स, नहीं आई थिंक ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो अभी क्या लिखा, व्हाट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन वाई इज इक्वल टू रूट एक्स, इसकी क्या डोमेन होगी, तो हमें पता है एक्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिफाइन नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक्सक्लूड करके चल रहे हैं अभी, तो रूट एक्स अगर रियल नंबर में हम बात करें तो एक्स मेरा पॉजिटिव नहीं चाहिए, तो वही डोमेन हो जाएगा इसका, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगी, फिर जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी रेंज हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है जीरो से इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। बाय द वे रूट एक्स जब लिखते हो तो नेगेटिव नहीं लेते हैं, ठीक है, वी ऑलवेज मीन पॉजिटिव, तो रियल वैल्यूड फंक्शन एक्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा डोमेन जीरो इंक्लूडेड एंड अप टिल इंफिनिटी, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगी, वो जीरो से इंफिनिटी हो जाएगी रेंज, ठीक है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज कैसे है, तो एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेक्शन दैट विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग द रेंजेस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वुड हैव एम्बिगुअस मीनिंग्स, टू अवॉइड दिस डिफिकल्टी रिस्ट्रिक्ट द रेंज एज पर द फॉलोइंग स्कीम। तो साइन इनवर्स एक्स की हम रेंज डोमेन कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, साइन इनवर्स एक्स जब भी हम मीन करेंगे तो वील ऑलवेज मीन एन एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट और द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमेशा ये लेके चलते हैं, यानी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट हम मीन नहीं करते, तो एम्बिग्युइटी खत्म हो जाएगी ना। इसका मतलब क्या है, साइन इनवर्स किसी नेगेटिव क्वांटिटी का पूछा हुआ है तो इसका मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, साइन इनवर्स किसी पॉजिटिव क्वांटिटी का पूछा है इसका मतलब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन तो मेरी माइनस वन से वन हो गई और रेंज क्या हो सकती है, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, ठीक है, माइनस 90 डिग्री, इसको माइनस 90 डिग्री भी बोल सकती है, ठीक है, 360 माइनस 90 बोलो या खाली माइनस 90 बोलो एक ही बात हो, तो माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री ये मेरी डोमेन है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ओके, तो व्हेनेवर वी राइट साइन इनवर्स एक्स वी ऑलवेज मीन एन एंगल लाइन बिटवीन माइनस पाई बाय टू एंड प्लस पाई बाय टू, दैट इज बिटवीन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेगेटिव वैल्यूज के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ निकालना, ठीक है, तो क्या होगा साइन इनवर्स हाफ तो तुम्हें इमीडिएटली पता 30 डिग्री है लेकिन नेगेटिव है इसलिए माइनस 30 डिग्री हो गया, ठीक है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से अब हम लोग बात करें कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स की हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं डोमेन, रादर हाँ कॉस इनवर्स एक्स जब भी हम लोग बोलते हैं डोमेन तो क्या माइनस वन से प्लस वन होगी, कॉस इनवर्स एक्स जब भी बोलते हैं तो वी विल ऑलवेज मीन एन एंगल बिटवीन जीरो एंड पाई। तुम लोग सोच सकते हो कि यार इसमें साइन इनवर्स में माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू किया था तो इसमें भी सेम क्यों नहीं कर दिया, तो फिर प्रॉब्लम क्या है कि माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू में पूरे में कॉस पॉजिटिव ही रहेगा, तो पॉजिटिव के कॉस इनवर्स की तो अभी भी दो दो वैल्यूज आती रहेंगे, नेगेटिव की एक भी वैल्यू नहीं, ठीक है, तो इसलिए इसको माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू की जगह क्या किया हमने जीरो से पाई में रिस्ट्रिक्ट किया इसका जो रेंज है, ठीक है, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से अब देखो कॉस इनवर्स तो मतलब हम जब भी बोलेंगे कॉस इनवर्स एक्स तो वील ऑलवेज मीन एन एंगल बिटवीन जीरो एंड 180 डिग्री, ठीक है, तो नेगेटिव एक्स के लिए 90 से 180 हो जाएगा और पॉजिटिव एक्स है तो 0 से 90 डिग्री रहेगा कॉस इनवर्स एक्स, ठीक। फॉर इंस्टेंस मान लो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री बाय टू हमें पता करना है, तो रूट थ्री बाय टू का तो रेडी रिकॉल है कि 30 डिग्री होता है, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री होगा, यानी कि 150 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं टैन इनवर्स एक्स की, तो टैन इनवर्स एक्स जो है वापस तुम देखो टैन जो मतलब टैन थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा नेगेटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा पॉजिटिव होता है टैन थीटा, तो वही जैसे साइन थीटा के लिए माइनस 90 से प्लस 90 में काम बन गया तो यहाँ पे भी माइनस 90 से प्लस 90 में हमारा काम बन जाएगा, ठीक है।
तो जब भी tan इनवर्स x की बात करेंगे तो इसकी भी हमारी जो, इसको बाय द वे प्रिंसिपल रेंज भी कहा जाता है, तो प्रिंसिपल रेंज इसकी क्या है, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, ठीक है। तो tan इनवर्स किसी नेगेटिव नंबर का है तो इसका मतलब क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, और पॉजिटिव नंबर का है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो क्या लिखा, वी ऑलवेज मीन एंगल बिटवीन माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू, ठीक है। नेगेटिव एक्स के लिए tan इनवर्स x की जो वैल्यू इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फॉर इंस्टेंस tan इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री निकाल लो, तो रूट थ्री के लिए 60 डिग्री होता है, तो माइनस रूट थ्री के लिए माइनस 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। और फिर इसी तरह से हम चाहें तो cosec inverse, sec inverse और cot inverse functions की भी निकाल सकते हैं, वो reciprocal ही है, वो देख लीजिए, जैसे sin inverse का की है वैसे ही cosec inverse की principal range दी जाएगी, ठीक है, ऐसी sec inverse, cot inverse इनकी भी principal ranges वैसे ही corresponding इनके reciprocal functions जैसे हम देखेंगे, ठीक है। तो पॉसिबल प्रिंसिपल रेंज इज सेम एज दैट फॉर साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स के लिए, सेक इनवर्स के लिए कॉस इनवर्स वाली, और कॉट इनवर्स के लिए टैन इनवर्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ये प्रिंसिपल रेंजेस हो गई, राइट। अच्छा, जैसे अभी ये एक एग्जांपल है, हमें क्या करना है, कॉस ऑफ टैन इनवर्स यू को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ यू ओनली, ये खुद से ट्राई करो, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। हाँ, तो कॉस ऑफ टैन इनवर्स यू मैंने क्या लिखा, यू के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो टैन इनवर्स यू जो है ये मेरा एंगल जो है या तो फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, राइट, टैन इनवर्स, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल रेंज माइनस 90 से प्लस 90 थी, इसका मतलब क्या, इसका कॉस लोगे तो एक पॉजिटिव नंबर ही आने वाला, राइट, ठीक है, दस इज कोसाइन मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर। अब थीटा टैन इनवर्स यू है तो टैन थीटा मेरा यू हो जाएगा, राइट, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन प्लस यू स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा फिर उसका रेसिप्रोकल यानी वन अपॉन वन प्लस यू स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल यानी सॉरी इसी का अंडर रूट, तो वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस यू स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से अगला जैसे एग्जाम्पल है वो क्या है, हम लोगों का साइन ऑफ टैन इनवर्स यू मुझे यू के टर्म्स में खाली निकालना है, ठीक है, ये भी ट्राई करो, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, साइन इनवर्स यू जो है ये फोर्थ या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इसका जो साइन निकालेंगे तो उसका जो साइन होगा वो सेम एज दैट ऑफ यू होगा, ठीक है, साइन और साइन अनुप्रास अलंकार या पटेन सम अलंकार, ओके, समझ गए, ठीक है, तो वो सेम साइन का होगा, ठीक है, साइन जो है यू के साइन का। तो अभी क्या हमने क्या लिखा, तो थीटा मेरा टैन इनवर्स यू है, तो यू मेरा टैन थीटा, अब टैन थीटा को समझ लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जैसा है, तो यू इसका परपेंडिकुलर हो गया और वन इसका बेस हो गया, ठीक है, तो जल्दी से हम लिखना है तो इसी तरह से कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग एनी आइडेंटिटी सीधे सोच सकते हो, टैन थीटा दे रखा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही दे रखा है, तो यू अपॉन वन हो गया, ठीक है, तो इसका यूज करके फिर हाइपोटेन्यूज रूट ऑफ वन प्लस यू स्क्वायर होगी, साइन थीटा यू अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस यू स्क्वायर हो गया। अब प्लस माइनस की चिंता मतलब चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं, क्योंकि देखो यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, यू नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, यही हमारे को इंश्योर करना, तो हमारा करेक्ट एक्सप्रेशन है, ठीक, ओके। अब इसी तरह से ये अगला क्वेश्चन है, ये जल्दी से तुम कर सकते हो, ओरली इसको कर सकते हैं, tan इनवर्स माइनस वन बाय रूट थ्री निकालना, फिर cosec इनवर्स माइनस टू बाय रूट थ्री निकालना, cot इनवर्स माइनस वन बाय रूट थ्री निकालना, माइंड में अपने वर्कआउट कर लो, नीचे आंसर मैंने लिखे हुए हैं, इसके ऊपर स्पेंड नहीं करूंगा टाइम, जब वंस यू आर डन इन योर माइंड विल जस्ट गो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं साइन लॉ की, तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर ये भी कई जगह हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होती है साइन लॉ से। बाय द वे जनरल थंब रूल बता रहा हूँ, फिजिक्स में ज्यादातर प्रॉब्लम्स में कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए, वैसे तो अगर फंसी गए हो तो जो मर्जी तरीके से करना चाहिए, लेकिन नॉर्मली जो एडवाइजेबल होता है, अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा ज्योमेट्री से हो रहा है तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, अरिथमेटिक से हो रहा है तो उसमें अलजेब्रा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, और किसी तरह की एवरेजेस यूज करके किसी फिजिक्स के लॉजिक से अगर कोई क्वेश्चन हो रहा है तो उसमें जनरली कैलकुलस नहीं लगाना चाहिए, ऑल्दो ये सब टूल्स हमारे टूल बॉक्स में होने चाहिए, लेकिन क्या है, जेई में अगर अच्छा करना है तो हमको ये नहीं कि सारे क्वेश्चन करने आने चाहिए, हमें उसको शॉर्ट टाइम में करना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मतलब कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो जैसे हथौड़ा और क्लास है जैसे, तो उससे तो सब चीज खुली जाएगी, ठीक है, नहीं कुछ भी चीज तुमको नॉर्मल तरह से नहीं हो रहा तो ये लास्ट रिजॉर्ट होता है, हथौड़ा और क्लास लेके खोलना किसी भी चीज को लास्ट रिजॉर्ट होता है, जनरली क्या होता है किसी भी प्रॉब्लम को खोलना तो चाबी हो तो ज्यादा अच्छी बात है ना, रेंच से खोलो, स्पेसिफिकली डिजाइन टूल है उसके लिए उससे खोलो तो जनरली तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा एंड देयर विल बी लेस ब्लड बाथ, ठीक है, नहीं तो क्या होता है जो अच्छा वॉरियर होता है वो कम ब्लड बाथ के साथ अपना टास्क अकॉम्प्लिश करता है, जो इंटेलिजेंट एजेंट होता है, ठीक है, नहीं तो यू शुड ऑल बी इंटेलिजेंट एजेंट्स, नॉट लाइक जस्ट बुलवर्क नहीं करना, ठीक है, नहीं तो ठीक है, तो योर टेंडेंसी शुड बी टू अवॉइड बुलवर्क एज फार एज पॉसिबल, हो सकता है उसको सोचने के लिए तुमको ज्यादा टाइम लग जाए, बट क्या प्रैक्टिस के टाइम में जितना तुम इस पर टाइम स्पेंड कर लोगे, स्मार्टर तरीके वर्कआउट करने में टाइम लगाओगे तो उससे तुम्हारे को एग्जाम में बहुत फायदा होगा, हो सकता है जब असाइनमेंट्स कर रहे हो तो तुमको हो सकता है कि सोचने के लिए एक शॉर्टकट तरीका सोचने के लिए, तो हो सकता है तुमको जो टाइम लगे वो जितना लॉन्ग मेथड से करने में टाइम लगे उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है तुम्हें शॉर्टकट सोचने के लिए, बट स्टिल यू शुड डू दैट,
अगर पॉसिबल है तो वो सोचना है, क्योंकि देन इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर टूल बॉक्स, राइट। फ्यूचर में उतना टाइम नहीं लगेगा, फ्यूचर में उसको जल्दी कर पाओगे। तो एज अ थंब रूल, जो काम हमारा ज्योमेट्री से हो सकता है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं लगानी, जो काम अरिथमेटिक से हो सकता है उसमें अलजेब्रा नहीं लगानी, और जो काम एवरेजेस या फिजिक्स के लॉजिक से हो सकता है उसके अंदर हमें कैलकुलस अवॉइड करना, ठीक है। ऑल्दो दे आर वेरी इंटरेस्टिंग टूल्स, बट ठीक है, ये जनरली लंबे मेथड्स होते हैं और लास्ट रिजॉर्ट की तरह इनको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो साइन लॉ की अभी हम लोग बात करते हैं। किसी भी आर्बिट्री ट्राइंगल में क्या होता है, साइड और अपोजिट एंगल का जो साइन है इनका जो रेशियो है वो सेम होता है तीनों साइड्स के लिए। तो यानी ये अगर ए है तो ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा, ये होल्ड करते हैं। इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, क्या करो यहाँ पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो इस ट्राइंगल की, ठीक है। तो ये जो ऑल्टीट्यूड है इधर से देखो तो ये एक राइट ट्राइंगल बन गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं एच को चाहूँ तो बी साइन अल्फा लिख सकता हूँ, और इधर से देख लो तो ये भी एक राइट ट्राइंगल बना हुआ, तो इससे क्या लिख सकता हूँ, ए साइन बीटा लिख सकता हूँ, तो बी साइन अल्फा और ए साइन बीटा बराबर हो गए, तो बस इससे मेरा प्रूव हो गया ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा। अब तीसरे वाले को प्रूव करना है तो एक और ऑल्टीट्यूड डाल दो, नहीं तो सीधे ही सिमेट्री से दिख रहा है कि तीसरा भी होल्ड करेगा अगर दो होल्ड करेंगे, है ना, ठीक है, ओके। इसके बाद जो अगला लॉ है ये भी कई जगह यूज होता है, क्या है, कोसाइन लॉ। तो कोई भी आर्बिट्री ट्राइंगल है अगर मेरा, इसके अंदर ये साइड, अगर इसमें सी लिखना भूल गया मैं, इसमें सी लिख देते हैं, तो क्या होगा, सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस गामा, ये सी स्क्वायर होता है हमारा, ठीक है, हमेशा। यानी अपोजिट साइड्स जो मतलब उसको छोड़ के बाकी दोनों साइड्स के टर्म्स में और उसके बीच वाले इंक्लूडेड एंगल के टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। अब कोसाइन लॉ का प्रूफ क्या है वो देख लो यहाँ पे, वैसे प्रूफ की जरूरत नहीं थी बट ठीक है मैं कर दे रहा हूँ प्रूफ। तो मान लेते हैं यहाँ पे वापस ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, ये एक्स है तो ये सी माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को देखो तो बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट, एक्स स्क्वायर को, राइट। और ऐसे ही सी माइनस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी माइनस एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सी स्क्वायर माइनस टू सी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिख रहा है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू, इसी को रीअरेंज कर लिया, ठीक है, ओके। और फिर ये क्या बन गया देखो, तो अभी क्या किया मैंने, ये क्या बन गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज आ गया, और माइनस टू सी एक्स में से देखो माइनस टू सी ऐसे आ गया, और एक्स को मैंने बी कॉस अल्फा लिख दिया, ठीक है। तो प्रूव हो गया ना हमारा, ए स्क्वायर इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस अल्फा, इसी तरह से बाकी साइक्लिक एक्सप्रेशन सेम, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आ गया, ये प्रूफ क्लियर है सभी को। इसके बाद कुछ सिंपल फंक्शंस के ग्राफ हमको मालूम होने चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में कई बार फिजिकल क्वांटिटीज के वेरिएशंस को प्लॉट करना होता है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ पूछ लिया, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ पूछ लिया, काइनेमैटिक्स है तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो इस तरह के ग्राफ्स कई बार हमको प्लॉट करने पड़ते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जो अक्सर देखने को मिलते हैं, तो वो देखेंगे, और बाकी जनरल भी केसेस कुछ देखेंगे किस तरह से प्लॉटिंग की जाती है फंक्शंस की। तो सबसे कॉमन जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, 45 डिग्री वाली स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, y इक्वल टू x, ये 45 डिग्री की स्ट्रेट लाइन आएगी, और समझ में आ ही रहा होगा अगर y x के बराबर है तो ये और ये कोऑर्डिनेट हमेशा बराबर है तो 45 डिग्री की लाइन रहेगी, राइट। ऐसे ही ये बहुत कॉमन ग्राफ है y इक्वल टू x स्क्वायर, पैराबोला बोलते हैं इसको, ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोला, इसको इसकी वर्टेक्स बोलते हैं। तो y इक्वल टू x स्क्वायर का ऐसा ग्राफ होगा, ये भी फीलिंग से समझ में आ रहा होगा, x जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वाई उससे ज्यादा तेजी से बढ़ते जाएगा, स्क्वायर है, ठीक है। और फिर एक बात करते हैं हम लोग इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की। तो इवन फंक्शन क्या होता है, अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं तो भी सेम वैल्यू आ रही है, तो इस तरह के फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में मान लो x को 3 डाला या फिर x को माइनस 3 डाला, दोनों केसेस में सेम वैल्यू आ रही है, तो जब भी इस तरह का होल्ड करते हैं इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। और जब भी हमारा इवन फंक्शन होगा तो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होंगी ब्रांचेस, समझ गए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, इसकी मिरर इमेज है ये वाली ब्रांच, ठीक है। तो टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व विल ऑलवेज बी मिरर, द ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ऐसा हम बोल सकते हैं जब भी इवन फंक्शन है, ठीक है, ओके। और ऑड फंक्शन क्या होगा हमारा, ऑड फंक्शन की थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हाफ इज मिरर इमेज ऑफ द राइट, ठीक है। अब इसके बाद और ग्राफ देखते हैं, तो y इक्वल टू x क्यूब का ऐसा ग्राफ आएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या देख सकते हो, ये जो ब्रांच है ये इसकी मिरर इमेज तो नहीं है, लेकिन इसकी मिरर इमेज की वाटर इमेज है, ठीक है नहीं, या फिर हम कह सकते हैं कि इसको 180 डिग्री घुमा दोगे तो ये आएगा, ठीक है, इस पूरी ब्रांच को 180 डिग्री रोटेट कर दो तो ये आएगा। तो इस तरह के ग्राफ को कहते हैं, दिस इज सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन, या सिमेट्री अबाउट अ पॉइंट कहते हैं, या रिफ्लेक्शन अबाउट अ पॉइंट कहते हैं। रिफ्लेक्शन अबाउट अ पॉइंट का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे कोई इसका छोटा सा टुकड़ा लिया तो उस पॉइंट के थ्रू 180 डिग्री अपोजिट उतना ही सुंदर पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है।
तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज द रिफ्लेक्शन अबाउट अ पॉइंट। नॉर्मली तो रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन तो हमें पता ही रहता है, पॉइंट के अबाउट रिफ्लेक्शन का ये मतलब होता है कि मिरर इमेज की वाटर इमेज है, ठीक है। ओके तो क्या लिखा, y = fx = x³ इज एन ऑड फंक्शन व्हिच मींस f ऑफ माइनस x इज माइनस ऑफ f ऑफ x। मतलब जैसे x को तो हम 3 रखोगे तो y तो क्या आ जाएगा 27 आएगा, x को -3 रखोगे तो -27 आएगा, ठीक है। तो f ऑफ माइनस x इज माइनस f ऑफ x, समझ गए कि नहीं। तो ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। व्हेनेवर दिस हैपेंस द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक आ जाता है उसको, ठीक है। दिस मींस दैट लेफ्ट पार्ट इज द मिरर इमेज ऑफ वाटर इमेज ऑफ द राइट पार्ट, ठीक है। फॉर फंक्शंस ऑफ द फॉर्म y = fx = x^2n, जब भी x^2n है और n मेरा नेचुरल नंबर, तो ये सारे इवन फंक्शंस होंगे, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होंगे, ठीक है। ओके और क्या है, वैल्यू ऑफ y इंक्रीजेस विद n इफ x mod इज ग्रेटर देन 1 एंड डिक्रीजेस इफ x mod इज लेस देन 1, ठीक है। तो x^n जैसे है और x मेरा 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो n जितना बड़ा होगा उतना छोटा हो जाएगा, इज इट। जैसे 0.2 का स्क्वायर करोगे तो कुछ नंबर आएगा, और 4 पावर करोगे तो और भी छोटा नंबर आएगा, लेकिन 1 से बड़ा है तो फिर बड़ा और ज्यादा बड़ा नंबर होगा, तो 0 से 1 के बीच में और छोटा होगा, और 1 से बड़ा होगा तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, एन के साथ साथ। तो जैसे यहाँ पे देखो क्या दिखा रखा है ग्राफ यहाँ पे, तो ये एक्स क्यूब का ग्राफ दिखा रखा है, ठीक है। तो एक्स टू द पावर 5 का अगर हम ग्राफ देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स टू द पावर 5 का ग्राफ 1 पे तो दोनों ओवरलैपिंग है, ठीक है, एक ही जगह पे 1 से आगे एक्स टू द पावर 5 इसको ओवरटेक कर जा रहा है, ठीक है, और 1 से पहले जो है ये ऊपर है ग्राफ, ठीक है। ओके ऐसे 1/x का ग्राफ, ये भी बहुत कॉमन ग्राफ है, स्पेशली ऑप्टिक्स के अंदर आता है इस तरह का ग्राफ, जहाँ पे अगर न्यूटन फॉर्म में लिखते हो तुम लोग मिरर फॉर्मूला, तो xy = f² टाइप का बनता है, तो y proportional to 1/x टाइप का ग्राफ है ये, तो ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, तो समझ में आ रहा होगा ये भी 1/x का इस तरह से ग्राफ में आ रहा है, क्योंकि x अगर बहुत छोटा तो इन्फिनिटी को चला जाएगा, अगर नेगेटिव साइड पे वो छोटी सी क्वांटिटी है तो ये माइनस इन्फिनिटी को चला जाएगा, ऐसे ही x इन्फिनिटी को जाएगा तो ये जीरो को चला जाएगा, ठीक है। बाय द वे दीज ग्राफ्स आर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है, इसकी जो टेंजेंट्स हैं ये आपस में देखो 90 डिग्री एंगल पे हैं, इन्फिनिटी पे जाओगे तो ये एसिम्प्टोटिकली इसको टच करेगा। एसिम्प्टोट का मतलब क्या होता है, किसी लाइन के बहुत पास तो आ रहा है लेकिन एग्जैक्टली किसी फाइनाइट पॉइंट पे छू नहीं रहा है, तो उसको एसिम्प्टोट कहा जाता है। तो इसकी एक ये एसिम्प्टोट है और एक इसकी ये एसिम्प्टोट है जो इसको टेंजेंटली छुएगी इन्फिनिटी पे जाके, कह सकते हैं। और ये 90 डिग्री पे है, तो इस तरह को हम इस कर्व को क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक्चुअली हाइपरबोला एक फैमिली ऑफ कर्व्स है, तो 1/x हैपेंस टू बी दैट फैमिली, बट यहाँ पे टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है इसलिए इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है। हाइपरबोला बहुत डिटेल में पढ़ोगे, इनफैक्ट पूरा कॉनिक सेक्शन ही बहुत डिटेल में पढ़ोगे, पूरा चैप्टर आएगा तुम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। फिर ये कुछ ग्राफ दिखा रखा है, 1/x का ऐसे ग्राफ है, 1/x³ का ऐसे ग्राफ है, ठीक है। तो इसको देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो और अपना लॉजिक लगा के आराम से घर पे देखना कि ऐसा क्यों है ग्राफ, ठीक है, मुश्किल नहीं है। कुछ कुछ ग्राफ दे रखे हैं, ऐसे 1/x^4 का ग्राफ है, तो देखो यहाँ पे उल्टा है, 1/x^4 है ना, तो x अगर बहुत छोटा होगा तो x^4 बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, इसलिए ये इसको ओवरटेक कर जाएगा 1/x², ठीक है ना। तो इस रीजन में जो है मेरा 1/x^4 का ग्राफ ऊंचा है और इसके आगे 1/x^4 का ग्राफ नीचे है, उसी लॉजिक से, समझ गए कि नहीं। ऐसे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा होगा 1/x और 1/x³, तो 1/x³ का ग्राफ ज्यादा ऊंचा होगा 1/x के ग्राफ से इस रीजन में 0 से 1 के बीच में, और उसके आगे जो है फिर वो 1/x का ज्यादा ऊंचा होगा, समझ में आ रहा ना ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, इसमें थोड़ा सा मतलब क्योंकि कभी कभी प्लॉटिंग होती है तो उसकी इनसाइट के लिए मैंने इतनी वैरायटी कुछ कुछ दे रखी है, ठीक है, सो दैट यू हैव सम इनसाइट इनटू प्लॉटिंग हाउ द थिंग्स विल वेरी। ओके कंपेयर करना पड़ता है कई बार कुछ क्वांटिटीज को, तो प्लॉट से कई बार बहुत जल्दी दिख जाता है, ठीक है। फिर क्या है, इनवर्स फंक्शन का क्या मतलब होता है, अगर किसी भी फंक्शन में मतलब कोई भी जैसे इक्वेशन लिखोगे तो y = x² जैसे इक्वेशन लिखिए, तो इसमें क्या करो, इस इक्वेशन में x की जगह y लिख दो और y की जगह x लिख दो और फिर y के लिए सॉल्व करो, कुछ तो आएगा ना, वो जो फंक्शन आएगा उसको हम कहेंगे कि y = x² का इनवर्स फंक्शन, समझ गए। तो जैसे क्या लिखा, अ फंक्शन ऑब्टेन्ड बाय स्वैपिंग x एंड y इज कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। फॉर इंस्टेंस इफ वी वांट टू फाइंड इनवर्स फंक्शन ऑफ y = x³, इसका इनवर्स निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, वी स्वैप x एंड y टू ऑब्टेन x = y³ या फिर y = x^3। तो ये पावर 1/3 जो आया ये हमारा इनवर्स फंक्शन है, क्यूब का इनवर्स फंक्शन पावर 1/3 है, ठीक है। Now this is our required inverse function. Inverse functions are mirror images of each other about the line y = x. तो यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने 45 degree की line draw कर ली, ये मेरा y = x³ का graph है, तो इस 45 degree की line जो है इसके about mirror image ले लोगे तो y = x^3 का graph आ जाए, ठीक है ना। ये mirror image about 45 degree, तो ये अलग अलग functions का दिखा रखा है कि x^4 है
तो एक्स ऊपर 1/4 जो 45 डिग्री वाली लाइन के अबाउट मेरे रिमेन हो जाएगी। तो ये अलग अलग ग्राफ हमने दिखाया यहाँ पे, ठीक है ठीक है। तो कुछ डिस्कशन तो नहीं अभी तक यहाँ पर, के बाद हम लोग बात करते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ अ फंक्शन। तो कई फंक्शन होते हैं जो जिनकी वैल्यूज कुछ कुछ टाइम के बाद रिपीट करती है, जैसे साइन एक्स ही एलेटस। तो साइन एक्स में पता है अलग अलग वैल्यूज लेते जाएगा करते करते 360 डिग्री पूरा हो गया, तो उनको पता है उसके बाद सेम साइकिल दोबारा से शुरू हो जाएगी, इज़ इट। तो किसी भी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में कुछ नंबर ऐड कर दें तो वापस वो रिपीट अगर वैल्यू होगी तो उस तरह के फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कर दें। जैसे साइन एक्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे पता है एक्स में 360 डिग्री ऐड करूंगा तो पक्का रिपीट हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। 720 ऐड करूंगा तो भी रिपीट हो जाएगी, 360 का कोई भी मल्टीपल ऐड करूंगा तो पक्का रिपीट हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन 360 से कम अगर कोई मैं नंबर ऐड करूंगा तो कोई जरूरी नहीं कि रिपीट हो जाए, मतलब कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के हो सकता है रिपीट हो जाए, बट जरूरी नहीं कि रिपीट हो जाएगी। तो मिनिमम कितना मैं ऐड करूँ कि फंक्शन की वैल्यू रिपीट हो जाए, तो उसको हम पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन कहते हैं। तो साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, इन सबकी पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगी, 360 डिग्री, या फिर हम कह सकते हैं 2π रेडियन की पीरियोडिसिटी, ठीक है। क्या लिखा, if f of x is equal to f of x plus capital T for any arbitrary x and some particular minimum value of capital T, then we say that capital T is the periodicity of the function. Now recall that all angles are measured from plus x axis and if any line is rotated by an angle 2π, it returns to the same configuration in the xy plane. Thus we can say that sine of x plus 2π is same as sine of x for every value of x, irrespective of the whatever be the value of x. Thus 2π is the period of the sine x function, which means at all values of x separated by a distance 2π, this function will have exactly the same way. ठीक है, 2nπ ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो पीरियोडिसिटी लेकिन 360 डिग्री कहेंगे, इवन तो 720 ऐड करके भी वही आ रहा है, बट मिनिमम कितना 360, ठीक है, 360 के मल्टीपल ऐड कर सकते, तो पीरियोडिसिटी इज 360 डिग्री, ओके। सिमिलरली cos x, tan x, sec x, cot x, cos x also have a time period of 2π. Also adding any integer multiple of time period should not make any difference to the value of the function, ठीक है। तो sin x plus 2nπ लिखो तो वो sin x के बराबर ही, समझ गए, पूरा चक्कर कर दो तो वहीं पे आ जाएगा वेक्टर घूम के, राइट, ठीक है। तो साइन एक्स का प्लॉट कैसा होता है, तो साइन एक्स का प्लॉट ये ध्यान रहना चाहिए, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये ग्राफ बहुत ज्यादा फिजिक्स में यूज होता है, साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों के ग्राफ बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे तो जीरो, ठीक है, और उसके बाद फिर 90 डिग्री पे इसकी पीक आएगी, उसके बाद फिर 180 डिग्री पे दोबारा जीरो हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई, 360 डिग्री कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हो गई, उसके बाद क्या, फिर यही साइकिल तुम्हें पता है दोबारा रिपीट होगी, फिर यही साइकिल, सेम साइकिल रिपीट होगी, ऐसे पीछे भी नेगेटिव एंगल्स के लिए इसी तरह से ये प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक यही ऐसे पीरियोडिक फंक्शन चलता जा रहा है साइन एक्स का, ठीक है। कॉस एक्स की अगर बात करें तो कॉस एक्स में हमें पता है जीरो के ऊपर तो वन आएगा, और उसके बाद फिर ये ऐसे पीरियोडिकली वापस 2π पे दोबारा जीरो पे वन आया, 90 डिग्री पे जीरो हो गया, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, जीरो से 90 के बीच में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। उसके बाद फिर क्या, फिर नेगेटिव चला जाएगा, तो पाई पे ये माइनस वन आया, उसके बाद फिर से इंक्रीज होके ये दोबारा से यहाँ पे, सॉरी अभी साइकिल कंप्लीट नहीं, 3π/2 पे दोबारा जीरो होगा, 90 डिग्री और 270 डिग्री दोनों पे जीरो होगा कॉस फंक्शन, उसके बाद फिर 360 डिग्री पे दोबारा से प्लस वन होगा, तो ये मेरी एक साइकिल कंप्लीट होगी, उसके बाद फिर यही साइकिल दोबारा से चलेगी, ऐसे पीछे भी ऐसे साइकिल, ठीक है। तो ये हमेशा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक ऐसे पीरियोडिक साइकिल हमारी चलती रहेगी, दे आर पीरियोडिक फंक्शंस, ओके। ऐसे टैन एक्स का अगर फंक्शन देखोगे तो टैन एक्स का इस तरह का फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, वो तुम लोग विजुलाइज करते हो, जीरो पे जीरो होगा और 90 डिग्री पे प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को जा रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये वर्टिकल दिखा रखे टैन एक्स, ये टैन एक्स का ग्राफ आ गया, तो इसकी भी पीरियोडिसिटी है, ठीक है। तो ठीक है, ये देख सकते हो कि यहाँ से -π/2 से +π/2 ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर से यही शुरू हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये देख सकते हो पाई है इसकी पीरियोडिसिटी, देखो तो, ठीक है, यहाँ पे ऐड करोगे तो पाई पाई एंगल ऐड करके सेम वैल्यू हमारी आती जाएगी, ठीक है, ओके। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के भी हम बात करें, वैसे भी देखो tan ऑफ पाई प्लस एक्स क्या हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में चला, tan ऑफ पाई प्लस एक्स क्या है, tan ऑफ 180 डिग्री प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में चला, तो सेम एज tan x, तो ऐसे भी दिख रहा है कि पीरियोडिसिटी हमारी 180 डिग्री, राइट, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के प्लॉट्स कैसे होते हैं, ये भी कॉमन सेंस से देख सकते हो, फीलिंग से, जितना बड़ा होगा 2x छोटा होगा, 2x उससे बड़ा होगा, है ना, और x इक्वल टू जीरो पे तो लेकिन सबकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो इस तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, ठीक है, ओके। 8x का ग्राफ, अगर a मेरा नेगेटिव है तो इस तरह का हमारा ग्राफ आएगा, वापस 0 पे 1 ही आएगा, ठीक है, ओके। फिर लॉग फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल, लॉग फंक्शन को इनवर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कहते हैं, तो log ऑफ x टू द बेस a अगर करोगे तो इस तरह का हमारा ग्राफ आएगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ रहेगा, और a अगर 1 से बड़ा है तो इस तरह का ग्राफ आता है, ठीक है।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, y इक्वल टू ए टू द पावर x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब x और y को अगर मैं स्वैप कर दूं तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू ए टू द पावर y बन जाएगा, ठीक है। और अब लॉग लोगे तो लॉग ऑफ x टू द बेस ए वाई आ जाएगा, तो ये दिख रहा है ना, ये इसका इनवर्स फंक्शन है, y इक्वल टू ए टू द पावर x और y इक्वल टू x टू द बेस लॉग लॉग बेस ए x, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल का इनवर्स फंक्शन लॉग फंक्शन, ठीक है, ओके, ठीक है, तो समझ में आई बात, ओके। इसके बाद फिर अगला इंपॉर्टेंट स्केल है हम लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। मतलब कई बार क्या होता है, एक फंक्शन का मुझे ग्राफ पता होता है, उस फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, तो हमें पता करना होता है कि ग्राफ की शेप कैसे मॉडिफाई होगी बेस्ड ऑन द स्मॉल चेंज इन माइनर चेंजेस इन द फंक्शन का फॉर्म, ठीक है, वो समझते हैं। तो मान लो मेरे पास एक फंक्शन है वाई वन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और इसका मॉडिफाइड वर्जन है क्या, वाई टू इक्वल टू ए टाइम्स एफ ऑफ बी टाइम्स एक्स प्लस सी प्लस डी, ये मेरा मॉडिफाइड फंक्शन है। यानी f वाला पार्ट तो कॉमन है लेकिन उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स में अच्छा खासा चेंज कर दिया, उसमें कुछ और ऐड भी कर दिया, कुछ चीज से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो y2 की जो शेप है वो निकालना चाहता हूँ, अगर मुझे y1 की शेप पता है तो वो शेप कैसे रिलेटेड होगी y2 की शेप से, तो वो हम अभी उसकी बात करने वाले, ठीक है। तो y2 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सूटेबली मॉडिफाइंग द शेप ऑफ fx, द इफेक्ट ऑफ पैरामीटर्स a b c एंड d आर एज फॉलोस। तो अभी ये ध्यान से सुनना ये क्यों है, तो वन एट ए टाइम कंसंट्रेट करेंगे, सारे चीजें ए बी सी डी एक साथ नहीं लेंगे, सिर्फ खाली ए का इफेक्ट देखेंगे, फिर खाली बी का, फिर खाली सी का, फिर खाली डी का, बाकी चीजों को जीरो मानते हुए, ठीक है। तो अभी खाली ए का इफेक्ट देखते हैं, तो मान लो खाली यहाँ पे ए होता और बाकी सी को, मान लो सी को जीरो लेते हैं, बी को वन ले लेते, मल्टीप्लाइड को जीरो नहीं करना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं बी को वन ले लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाइड है ना, ठीक है, और सी को जीरो लेते हैं, डी को जीरो लेते हैं, तो ये बचेगा क्या, ये बच जाएगा ए टाइम्स एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, राइट। तो सिंपलिसिटी के लिए मान लो कि y इक्वल टू x स्क्वायर है, ठीक है, y1 जो है मेरा वो x स्क्वायर के बराबर है और a की वैल्यू 2 है, तो ये 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हर जगह पे क्या करेगा, ये डबल वैल्यू देना शुरू कर देगा, तो a टाइम्स fx जो है वो ग्राफ बिल्कुल fx के ग्राफ जैसा ही है, बस क्या उसकी वर्टिकल हाइट डबल हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो मतलब अगर हमने इसका फोटो बना रखा है y इक्वल टू fx का, इस फोटो को हम वर्टिकली स्ट्रेच कर दें 2 के फैक्टर से, तो वो हमारा 2fx का ग्राफ आ जाएगा। तो ए ए क्या काम कर रहा है, ए जो है ग्राफ को वर्टिकली स्ट्रेच करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ए रिप्रेजेंट द वर्टिकल स्केलिंग फैक्टर, फॉर इंस्टेंस y1 अगर sin x है तो y2 इक्वल टू 2 sin x है, तो y2 क्या है, दैट इज ट्वाइस एज टॉल एज y1, सब जगह हाइट डबल हो जाएगी इसकी, ठीक है, हाइट या डेप्थ कह लो, डेप्थ भी डबल हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या b, b क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजॉन्टली किसी चीज को स्ट्रेच कर दिया या कॉम्प्रेस कर दिया, तो वो कैसे, तो देखो क्या लिखा, ठीक है, तो जैसे क्या लिखा, y1 अगर मेरा sin x है और y2 मेरा sin of 2x है, तो y2 की, y2 जो होगा वो 2 के फैक्टर से श्रंकन वर्जन होगा, यानी कहने का क्या मतलब है, x इज इक्वल टू पाई पे जो इसकी वैल्यू आएगी, sin of x में x को पाई रखने की वैल्यू आएगी, वही वैल्यू इसके अंदर पाई बाय 2 रखने पे आ जाएगी, जो वैल्यू इधर पाई बाय 2 रखने पे आएगी वही वैल्यू इसकी पाई बाय 4 रखने पे आ जाएगी, sin 2x है तो x को पाई बाय 4 रखोगे तो इसकी वही वैल्यू आएगी जो इसकी पाई बाय 2 रखने पे आएगी, समझ गए, जो वैल्यू इसमें x 60 डिग्री रखने पे आएगी वही इसमें वैल्यू x इक्वल टू 30 डिग्री रखने पे आ जाएगी, तो ये दिख रहा है, तो वही सारी वैल्यूज दे रहा है लेकिन जल्दी दे रहा है ना, तो इट विल श्रिंक द ग्राफ बाय फैक्टर ऑफ 2, ठीक है। तो साइन ऑफ बी एक्स जो है वो साइन एक्स का ही ग्राफ है लेकिन क्या है, बी के फैक्टर से श्रंकन ग्राफ है, साइन ऑफ 2x जो है साइन एक्स का ही ग्राफ है लेकिन 2 के फैक्टर से श्रिंक हो गया, बात समझ आई नहीं, लॉजिक समझ में आ रहा है। तो a क्या है, a वर्टिकल स्केलिंग फैक्टर है और b जो है मेरा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग फैक्टर है, यानी b से डिवाइड हो जाता है और a से मल्टीप्लाई हो जाता है, समझ गए, b के फैक्टर से श्रिंक हो जाता है और a के फैक्टर से हमारा क्या होता है, टॉलर हो जाता है, ठीक है, ओके, तो समझ में आ गया b का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। इसी तरह से अब बात करते हैं हम लोग c की, तो c इट रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ, यहाँ पे x अभी b को 1 ले लेते हैं, a को 1 ले लेते हैं और d को भी अभी 0 ले लेते हैं, तो साइन ऑफ एक्स प्लस सी और साइन ऑफ एक्स को अगर मेरे को कंपेयर करना, ध्यान से देखना जरा, इट रिप्रेजेंट्स द वर्टिकल शिफ्टिंग, सॉरी सी की बात करें ना, इट रिप्रेजेंट्स द हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, फॉर इंस्टेंस अगर y1 मेरा साइन एक्स है और y2 मेरा साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 है, तो होगा क्या, जो भी वैल्यू ये x पे दे रहा है वही वैल्यू ये x माइनस पाई बाय 4 पे देगा, कहने का क्या मतलब है, सोच के देख लो, जो वैल्यू ये x को 0 रखने पे देगा ये वही वैल्यू x को माइनस पाई बाय 4 रखने पे देगा, इज इट नॉट, ठीक है, जो वैल्यू ये x को पाई बाय 4 रखने पे देगा वो वैल्यू इसको x को 0 रखने पे देगा, इज इट, मतलब इसकी सारी वैल्यू इसको फॉलो तो कर रही है लेकिन क्या है, ये x को पाई बाय 4 पीछे कम रख के वही आएगा, इज इट, तो समझ गए, तो ये लेफ्ट शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ गए कि लेफ्ट शिफ्टेड ग्राफ होगा इसका, राइट,
तो साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर की शेप तो बिल्कुल साइन एक्स जैसी होगी, लेकिन क्या होगा, वो पाई बाई फोर लेफ्ट शिफ्टेड होगा। समझ में आ रही बात के लिए? ठीक है, यानी ये जो जीरो पे दे रहा था इसने उससे पहले पाई बाई फोर पहले ही दे दी, माइनस पाई बाई फोर पे ही वही वैल्यू दे दी इसने। तो इसका मतलब क्या है, ये जो साइन ऑफ एक्स प्लस सी अगर हम लिख रहे हैं तो ये इट इज रिप्रेजेंटिंग द हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ। ठीक है, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर whatever value y1 assumes for x equal to pi, y2 will assume the same for pi minus pi by 4. So pi by 4 पहले ये value आ जाएगी। Thus our graph will be shifted by pi by 4 units to the left. For a general c, the graph will be shifted by c units to the left. So x plus c है तो c units left shift हो जाएगा, और x minus c है तो c units right की तरफ shift हो जाएगा। तो left right shifting हम generate कर सकते हैं x के अंदर कुछ add या subtract करके। ठीक है, okay? अच्छा, अब d क्या बता रहा है? तो d represents the vertical shifting of the graph. फॉर एग्जाम्पल y1 मेरा साइन x है और y2 मेरा साइन ऑफ x प्लस 2 है, तो क्या होगा, y2 की वैल्यू जो भी y1 की वैल्यू होगी उससे दो यूनिट और ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो इट विल रिप्रेजेंट द सेम ग्राफ बट शिफ्टेड बाय नॉट फैक्टर, बेसिकली वर्टिकल शिफ्टिंग टू यूनिट्स की एक्स्ट्रा हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो समझ में आया ना? तो a क्या रिप्रेजेंट करता है, a हमारा वर्टिकल स्केलिंग रिप्रेजेंट करता है, b हमारा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग रिप्रेजेंट करता है, c हमारा हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग रिप्रेजेंट करता है, और d हमारा वर्टिकल शिफ्टिंग रिप्रेजेंट करता है। अब चारों चीजें एक साथ हो रही हैं तो फिर ठीक है, कंपाउंड करके दिमाग लगा लेना वन एट अ टाइम। बस समझ में आ रही है ना कि श्रिंक भी हो रहा है, शिफ्ट भी हो रहा है, सब कुछ एक साथ भी हो सकता है। ठीक है, आई एम डेलिबरेटली नॉट डिस्कसिंग इट, बट ठंडे दिमाग से सोचोगे तो कर ही पाओगे। ठीक है, तो साइन एक्स से मतलब कोई भी फंक्शन एफ एक्स है तो एफ एक्स की शेप अगर मालूम है तो ए बी सी डी का इंडिविजुअल इफेक्ट पता है, सुपरपोज करके तुम वाई टू की शेप निकाल पाओगे कि किस तरह से होगी, इमेजिन कर पाओगे किस तरह की शेप होगी। ठीक है, और ये फिजिक्स में कई बार सोचना पड़ जाता है कि इसको डबल कर दिया, उसको हाफ कर दिया, इसको ट्रिपल कर दिया तो फाइनली क्या होगा। ठीक है, तो कई बार ये सोचने में मदद मिलती है इसकी। ठीक है, तो ये जितने भी इफेक्ट्स हैं इन सबको इस फिगर के अंदर मैंने समराइज किया होगा। तो ठीक है, ये वही बात जो मैंने अभी बोली है, ये वर्टिकल शिफ्ट, ये वर्टिकल स्ट्रेच या कॉम्प्रेशन। ठीक है, अच्छा बाय द वे, अगर वाई ये ए नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव का मतलब हो जाएगा कि जो ओरिजिनल फंक्शन था उसका मिरर इमेज टाइप का हो जाएगा, मिरर इमेज स्केलिंग हो जाएगी। जैसे साइन एक्स है एक ग्राफ और एक है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, उसी का मिरर इमेज हो जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, या माइनस टू साइन एक्स कर देते हो तो फिर मिरर इमेज होके फिर डबल होगा। तो रिफ्लेक्टेड स्ट्रेचिंग हो सकती है, अगर मेरा ए नेगेटिव है तो इट कुड रिप्रेजेंट रिफ्लेक्टेड स्ट्रेचिंग अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, ओके, और ये जो बी है ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग को बता रहा है। ठीक है, और अगर बी मेरा नेगेटिव हो गया तो फिर y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज भी हो जाएगा। जैसे साइन ऑफ x और साइन ऑफ माइनस x देखोगे तो ये y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है, साइन x तो वैसे ही मेरा ऑड फंक्शन है तो ऐसे ही दिखाई नहीं देगा, लेकिन cos ऑफ x देखोगे, सॉरी cos, हाँ मतलब समझ गए, कोई भी फंक्शन है उसमें अगर यहाँ पे f ऑफ x है और f ऑफ x की जगह f ऑफ माइनस x कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि f ऑफ x की जो भी वैल्यू x इक्वल टू 2 के लिए लेटेस्ट से आ रही है तो वही वैल्यू f ऑफ माइनस x की x को माइनस 2 रख के आएगी। समझ में आई बात की? So that will represent the reflection about the y-axis. समझ में आ गया बात? ठीक है, making sense? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये सारे के सारे formula एक जगह पे, वही जो अभी हमने काम किया वो सारी चीज़ summarize की हुई है। y is equal to cfx stretches the graph of f vertically by a factor of c, और negative है तो mirror image और stretch दोनों। ठीक है, इसी तरह से 1 by cfx compress कर देगा। ठीक है, ये देख लो टेबल में जो भी लिखा है वो सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज इसमें डाल रखी है। ठीक है, c अगर माइनस 1 है तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर, ओके। इसके बाद फिर आज एग्जांपल्स एक दो लेते हैं, उसके बाद फिर आज की क्लास हम लोग स्टॉप करेंगे। तो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। In this example, we shall study the horizontal and vertical scaling and reflection of the graph y is equal to root x. ठीक है, तो ये मेरा क्या है? ये graph मेरा y is equal to root x है। ठीक है, okay? अब vertical stretching and compressing by a factor of 3 मुझे चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या होगा? y is equal to 3 root x कर दूंगा तो ये vertical stretch हो गया। ठीक है, और y, ठीक है, और क्या लिखा मैंने? y is equal to 1 by 3 root x कर दिया तो ये वही जो है ये 3 के factor से compress हो गया। तो दिख रहा है ये graph है और हर जगह इसकी हाइट जो है 1/3 कर दोगे तो ये वाला ग्राफ आ गया, ब्लू वाला जो ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, तो ये कॉम्प्रेशन हो गया बाय फैक्टर ऑफ 3, और ये जो है ये टर्कवाइज कलर का जो दिख रहा है ये स्ट्रेचिंग हो गई इसकी बाय फैक्टर ऑफ 3। क्लियर, उसके बाद फिर देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग या स्केलिंग करनी है। मान लो वापस यही मेरे पास फंक्शन है रूट एक्स, इसको हॉरिजॉन्टली मेरे को स्ट्रेच या कॉम्प्रेस करना है, तो मान लो इसी को अब इसी में मेरे को हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग करनी है या स्ट्रेचिंग या स्केलिंग करनी है बाय फैक्टर ऑफ 3, तो क्या होगा हमारा? तो x को अगर मैं यहाँ पे रूट एक्स है ये, ठीक है,
एक्स की जगह अगर मैं 3x कर दूंगा तो वन थर्ड वैल्यूज पे वही वैल्यू देने लगेगा, इधर तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्रेशन हो जाएगा बाय फैक्टर ऑफ 3, ठीक है। और यहाँ पे x की जगह x बाय 3 कर दूंगा तो फिर क्या होगा, तो फिर वो स्ट्रेचिंग हो जाएगी 3 के फैक्टर से, समझ में आई बात की नहीं। तो क्या लिखा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग या स्केलिंग करनी है बाय फैक्टर ऑफ 3, तो क्या करेंगे, y = x की रूट x लिखा, रूट ऑफ 3x लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा बाय फैक्टर ऑफ 3, समझ में आया कि लॉजिक समझ में आ रहा है। इसी तरह से y = रूट ऑफ 1 बाय 3x कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, 3 के फैक्टर से हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो जाएगा, समझ में आ रही बात के लिए। x के साथ प्ले कर रहे हो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेचिंग या कॉम्प्रेशन जो भी हो रहा है, ठीक है, x डायरेक्शन में, तो ये समझ में आई बात सभी को, क्लियर है, ठीक है। चलो एक थोड़ा सा टाइम है तो एक दो एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं अभी। तो क्या है हमारे पास, अब y = रूट एक्स ग्राफ को मुझे मान लो रिफ्लेक्ट करना है, x एक्सिस या y एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये मेरा y = रूट एक्स ग्राफ जा रहा है, ठीक है, तो अब क्या करोगे, ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, माइनस रूट एक्स, समझ में आ रहा है लॉजिक से, क्योंकि ये अगर इतना पॉजिटिव है तो माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस रूट एक्स कर दिया तो ये मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स कर दिया तो फिर वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज हो जाएगा, ठीक है, तो y = माइनस रूट एक्स ये वाला ग्राफ आ जाएगा, ठीक है, ये इसकी डोमेन से बाहर चला जाएगा, यानी इसी क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा वो, तो x पॉजिटिव फिर होल्ड नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा इसलिए, ठीक है, तो समझ में आई बात की नहीं। तो फंक्शन इज इक्वल टू y माइनस रूट एक्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ y = रूट एक्स बाय अबाउट x एक्सिस, और ऐसे ये जो है ये y एक्सिस पे वो रिफ्लेक्शन, समझ में आ गया कैसे, और लॉजिक भी सिंपल है, थोड़ा सा सोचोगे तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है इस तरह से, ठीक है, ओके। अब आज के लिए ये, अब इसको लास्ट एग्जांपल की तरह ले लेते हैं आज के लिए, क्या है, गिवन अ फंक्शन y = f(x) = x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 10, ये मेरा मान लो ये कोई फंक्शन है, क्या दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है हमको, ठीक है, फाइंड द फॉर्मूलाज टू पार्ट ए, कॉम्प्रेस द ग्राफ हॉरिजॉन्टली बाय अ फैक्टर ऑफ 2 फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, तो हम क्या चाहते हैं, 2 के फैक्टर से कॉम्प्रेस हो जाए और उसके बाद y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाए, तो अपने आप से ट्राई करो इसको, ठीक है, अभी ट्राई करो फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे, जल्दी से कर लो। तो देखो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो कॉम्प्रेस करना है हॉरिजॉन्टली 2 के फैक्टर से, तो x को 2x से रिप्लेस कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल कॉम्प्रेशन आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, y एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्ट करना है, तो यानी जो भी आ रहा है उसको मैं क्या करूंगा, y एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्शन चाहिए, तो क्या करेंगे, x को माइनस x से रिप्लेस कर देंगे, राइट, ठीक है, x एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्शन करना है तो ओवरऑल फंक्शन के बाद माइनस साइन लगाते हैं, y एक्सिस के लिए x को फिर माइनस x से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या किया हमने, तो क्या लिखा, f of 2x causes compression along x axis and for reflection about y axis हमको f of minus 2x करना है, ठीक है, so now substituting minus 2x for x तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इसी फंक्शन के अंदर x को फिर सीधा ही मैंने minus 2x से रिप्लेस कर दिया, समझ गए कि नहीं, पहले 2 से रिप्लेस करो फिर नेगेटिव करो, इससे सीधे ही माइनस 2x से रिप्लेस कर दो, समझ गए, तो एक वो में ही हमारा काम हो जाएगा, तो सीधे रिप्लेस कर दिया, तो आप इसी को बस एक्सपैंड कर लो, आई होप आई हैव नॉट कंप्लीटेड, तो बस अभी x को माइनस टू एक्स से रिप्लेस करके और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, जो भी ये वैल्यू आएगी वो चेक कर लो। इसी तरह से इसमें सेकेंड पार्ट क्या है, इस ग्राफ को वर्टिकली कॉम्प्रेस करना है बाय फैक्टर ऑफ 2 और फिर फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, तो 2 के फैक्टर से अगर कॉम्प्रेस करना है तो इसका मतलब क्या है, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और फिर क्या करना है, x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन चाहिए तुम्हें, तो फिर क्या करोगे, बाहर एक माइनस 1 और लगा दोगे, समझ में ही बात के लिए, तो फिर सीधे ही ये काम एक साथ एक झटके में भी हम कर सकते हैं, इधर का तो माइनस हाफ से सीधे मल्टीप्लाई कर दो एक झटके में, तो बस ठीक है, तो इसी को माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हाफ एफएक्स स्केल्स डाउन द ग्राफ वर्टिकली बाय फैक्टर ऑफ 2 एंड देन माइनस हाफ एफएक्स रिफ्लेक्ट्स इट्स अबाउट एक्स एक्सिस, तो सीधे माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया और ये मेरे पास डिजायर्ड ग्राफ आ गया, ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, कल की क्लास में आगे की क्लासेस में हम क्या देखने वाले, कुछ एग्जांपल्स और कर्व शिफ्टिंग वगैरह पे हम देखने वाले, कुछ अच्छे एग्जांपल्स, ठीक है, उसके अलावा फिर कोनिक सेक्शंस का थोड़ा सा मैं रिव्यू दूंगा तुम लोगों को, रिव्यू नहीं बेसिकली व्यू ही होगा तुम लोगों के लिए, रिव्यू तो तब होता है जब पहले से देख रखा होगा, कोनिक सेक्शंस बताऊंगा क्या होंगे, कोनिक सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली ऑफ कर्व्स स्पेशली फॉर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, कोनिक सेक्शंस देखेंगे, उसके बाद फिर कुछ फॉर्मूले लिस्ट करेंगे, तो ये हम लोगों का प्री कैलकुलस वाला पार्ट हम लोग का मोस्ट ऑफली कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वी विल स्टार्ट डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, डिफरेंशिएशन हम लोग सीखेंगे और डिफरेंशिएशन के बाद आई विल स्टार्ट इंटीग्रेशन और आई विल डू वेक्टर्स, वो मेरे को अभी थोड़ा सा कॉल लेना और उसके बाद देन विल गेट इनटू फुल फ्लेज फिजिक्स काइनेमैटिक्स वगैरह हम लोग शुरू करेंगे, काइनेमैटिक्स लॉज ऑफ मोशन वर्क फॉर एनर्जी एटसेट्रा, वो सारी चीजें हम लोग फिर विल गेट इनटू द हार्ड कोर फिजिक्स, ठीक है, ओके, थैंक यू सर।